फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर है भाई, फॉर्च्यूनर में सोचना नहीं पड़ता, इसमें बहुत सोचना पड़ेगा मेरे को। कर्व्स हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और ये मस्त सा ऑफ रोड का पैच। अभी मड नहीं, सैंड सिलेक्ट करते हैं, ये डर्ट है। हाँ, आपको पता चल रहा है कि मॉडिफाइड किया फॉर्च्यूनर को? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्टिविटी में इसको ये गाड़ी का नाम रखा है याक। याक यहाँ पे ना बहुत सारे रॉक्स हैं यार, बहुत सारे रॉक्स हैं। अभी आप लोग ठुमके मार रही गाड़ी है, आड़ दो आड़ दो आड़ दो आड़ दो, आगे भी देख के तो और ज्यादा मजा आता। ये एक ऑफ रोडिंग का पैच मिला, वैसे तो पूरा ही ऑफ रोड है, लेकिन इसके नीचे उतार रहे हैं अपन गाड़ी। यस, मजेदार मजेदार भाई। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे गाड़ी को कोई नुकसान हो। फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर है भाई, फॉर्च्यूनर में सोचना नहीं पड़ता, इसमें बहुत सोचना पड़ेगा मेरे को। ऐसा नहीं है कि गाड़ी केपेबल नहीं है, लेकिन भाई अभी नहीं है ना, प्यार ज्यादा है मेरे लिए, मतलब मेरे से मेरे को। नीचे रिवर बेड है और वहां पे अपन गाड़ी उतार रहे हैं। यस, फाइनली मस्त तरीके से ऑलमोस्ट रिवर बेड पे पहुंचने वाले। ये सामने भाई कर्व्स हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और ये मस्त सा ऑफ रोड का पैच है। धीरे धीरे, एकदम ही धीरे धीरे उतार रहा हूँ मैं। मज़ेदार भाई मज़ेदार। यहाँ पे रिवर, एग्जैक्टली रिवर बेड के पास गाड़ी लगेगी, रिवर बेड पे लगाएंगे गाड़ी। आहा, जबरदस्त भाई जबरदस्त। यहाँ से सीधा भी निकाल सकते ना? हाँ निकाल ले क्या सीधा? मैं इधर से निकालते यार, क्यों जबरदस्ती रिस्क लेना, वैसे सीधा निकल जाता, कोई इशू नहीं था। मैं भी ना साला खाम खा डर रहा हूँ, खाम खा। इसका ना ड्राइव टेरेन सेलेक्ट करते हैं, ये कर लेते हैं सैंड। ये सैंड हमने सेलेक्ट कर लिया, मड भी है, डीप स्नो भी है, तो अभी मड नहीं सैंड सेलेक्ट करते हैं। ये डर्ट है, ठीक है, मतलब ये ऐसा लूज ग्रेवल टाइप का डर्ट सेलेक्ट करते हैं। चलो देखते हैं इसका टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम कैसे काम करता है। वैसे तो यहाँ पे ना नॉर्मल भी चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था, बट फिर भी जब है तो कर लेते हैं। हाँ जबरदस्त जबरदस्त, इजी पीजी यार, इजी पीजी भाई। तो यहाँ तक आए हैं और बहुत ही मस्त नज़ारे हैं। भैया इधर आओ, इधर आओ भैया, हमारे बहुत क्यूट से हैं, ठीक है। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, इतने स्मार्ट हो, आओ जाओ। भैया को मैंने बताया, भैया ये फॉर्च्यूनर जैसी लग रही है ना? हाँ। आपको पता चल रहा है कि मॉडिफाइड किया फॉर्च्यूनर को? बिल्कुल बिल्कुल, ये दूर से फॉर्च्यूनर तो लग रहा है। हाँ, सामने आके इसको मॉडिफाई किया, फॉर्च्यूनर लग नहीं रहा फॉर्च, बिल्कुल नहीं। मैंने भैया को बताया कि हमारे जो मोंटी भाई है ना, उन्होंने गाड़ी पूरी हमारी बनाई, तो काफी अच्छी बनाई मोंटी। मोंटी भाई को थम्स अप दे दो, और मोंटी कार्लो के कपड़े भी आते हैं और ये गाड़ी भी मोंटी वर्कशॉप, तो भैया मोंटी भाई को थोड़ा सा प्रमोट करें। मोंटी भाई बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम, मतलब लुक ही चेंज कर दिया, पूरा लुक चेंज कर, कोई भी देख के नहीं बता पा रहा है कि फॉर्च्यूनर है। हां बहुत बहुत, यहां तो जब यहां हमारे सतलुज के इलाके में आए तो ऐसा लग रहा था कि फॉर्च्यूनर से हाँ अब गाड़ी हो, जो विदेश से आए, विदेश से गाड़ी आया है। हाँ, थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा। और अभी हम आगे जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा, हाँ रिवर में जा रहे हैं। भैया से हमने परमिशन ले ली, भैया से पूछ लिया, तो बहुत अच्छा लगा। फॉर्च्यूनर के लिए क्या है ये सब? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 4x4 याक स्पीति में फॉर्च्यूनर को याक कहते हैं। याक जैसी लग रही है शक्ल इसकी, क्योंकि हमारे स्पीति में जंगल के वो जानवर होते हैं, वो सबसे जानवर से एक याक होता है, वो अलग थलग होता है, अलग दिखता है, दिखता है वो बिल्कुल, आपको दिखना ना जी, मोटा दिखता है, ऐसा मोटी लग रही है गाड़ी, मोटी मोटी लग रही है ना जी। माँ देखते हैरान हो गए, हम तो देखते हैरान हो गए कि याक आ गया, याक आ गया, याक आ गया, गाड़ियों का याक आ गया। रास्ते में ऐसा जा रहा था जैसे दिल्ली में जा रहे हो। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। चलो भाई हम थोड़ा सा गाड़ी आगे ले जा रहे हैं, बाकी मैंने माइक लगाया क्योंकि यहाँ पे ना हवा चल रही है। और मजेदार यार, भैया ने दिल जीत लिया यार। अब देखो अज्जू तो मेरे को कह रहा है कि भाई अंदर लेके चलो, अंदर लेके चलो, मैं अंदर ले भी जाऊँगा, बट एक बार ना, एक बार ये नज़ारे देखो यार, क्या ज़बरदस्त है ना, क्या ज़बरदस्त। पीछे पूरा जो वैली है ना, वैली का जो व्यू है,
बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है। तो अभी कैमरे को थोड़ा सा दूर लगाते हैं, ठीक है, एक अलग एंगल आपको दिखाते हैं और कोशिश करते हैं एक थोड़ा सा कुछ अलग आपको दिखे। हाँ, समझ गए गुरु, हो जाए शुरू। रिकॉर्डिंग तो हमने ऑन कर दिया है, अब जाते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे रॉक्स हैं यार, बहुत सारे रॉक्स हैं और उनको बहुत ध्यान से देख के चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके बम्पर में ना हल्का सा भी कोई स्क्रैच आए। और भैया ने तो कह ही दिया कि भाई याक जैसी दिख रही है गाड़ी हमारी, स्टार्ट करते हैं जी इस याक को। बहुत इजी पीजी जा रहे हैं, बहुत इजी पीजी। आहा, क्या मजेदार। कैमरा भी तो लेना पड़ता है पता चला कैमरा भूल के जा रहा हूं मैं। चलो धीरे धीरे करके इसको आगे ले चलते हैं। इसका मल्टी टेरेन सिस्टम एक बार देख लेते हैं। ऑटो पे है डर्ट सैंड मड, तो इसको रखेंगे ऑटो पे ही रखेंगे, इसको ऑटो पे ही करके चलाएंगे। ऑटो पे गाड़ी खुद ब खुद ध्यान रखेगी कि भाई क्या हो रहा है। ये जेसीबी आपकी है? हाँ जी। और आपका क्या नाम है सर? अच्छू। अच्छू और राज विकास भाई का विकास रहे हैं। आपका नाम मिस्टर राज? राज राजबोध। राजबोध जी, आप लोग तो ओए ठुमके मार रही गाड़ी है। काफी ऊपर कपड़ थोड़ा डरते हुए, विकास भाई थोड़े से डरते डरते हुए आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जीत है, बिल्कुल जीत है, डर के आगे जीत है। ये तो लटक गया बम्पर तक। हाँ, अज्जू भाई को मैंने वहां कह दिया कि एक रील का फॉर्मेट रेडी कर दो। बाकी देखो यहाँ पे भी दिख रहा है अपने को नीचे के नीचे एग्जैक्टली क्या है। बाकी तो सामने पत्थर वत्थर हैं, बहुत सारे पत्थर। और भाई इतना मस्त जा रही है ना, इतना मस्त धीरे धीरे करके, इतनी मस्त तरीके से। मैं एक बार आपको ना बाहर निकाल के भी दिखाऊंगा। बहुत इजी पीजी जा रही है, बहुत इजी पीजी। मतलब ऐसा इसको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा मेरे को ना कि कहीं पर मशक्कत करनी पड़ेगी, कहीं पर कुछ भी करना पड़ेगा। एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, धीरे धीरे, हल्का हल्का, लिटिल लिटिल एक्सीलेटर लेना है। और लिटिल लिटिल में क्या मस्त जा रही है। ये गई डिफेंडर, ठीक है, धीरे धीरे करके मस्त तरीके से अंदर। ये हाँ, ये गई जी, ये देखो क्या मस्त तरीके से जा रही है। हाँ, तगड़ी तगड़ी भाई तगड़ी। हाँ, ये देखा, बस उतार दो भाई, उतार दो उतार दो उतार दो, सोचो मत उतार दो, डर के आगे जीत है। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे, मजा आ गया मजा। बहुत सही, बहुत सही, आड़ दो आड़ दो आड़ दो आड़ दो आड़ दो आड़ दो। हाँ, ज्यादा पानी नहीं है, बट पता है क्या, इसका बम्पर और आपने हाइट ऊपर किया है ना। हाइट अच्छा ऊपर है इसका। मेन बात है ना कि बड़े बड़े पत्थर हैं यार, पत्थर बहुत ज्यादा है, पत्थर बहुत ज्यादा है। अब हमारी बारी है और ये हम करेंगे फॉर्चुनर से। यहाँ पे ना जो पत्थर है ना वो काफी ज्यादा बड़े यार। तो अज्जू भाई ने तो अपना ठीक है एयर सस्पेंशन ऊपर कर लिया था, हमें थोड़ा सा ना मल्टी टेरेन पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ऑटो पे ही करके आ रहे हैं, ठीक है। और देखो गाड़ी लेके आए ना, तो फिर ये सब नहीं किया तो फिर मज़ेदार चीज़ नहीं है यार। तो यहाँ पे नीचे नीचे देख के, आगे भी देख के, हाँ हाँ
मेन बात है ना कि रिवर के अंदर जो पत्थर है ना वो नहीं दिख रहे भाई। 1x 2x करते रहना, वो तुम ये धीरे 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 थोड़ा सा देखो अंदर ना, पता नहीं चलता है कि भाई कौन सा पत्थर कहाँ पे डीप है और उसके हिसाब से ना धीरे धीरे अपन आगे कर रहे हैं। भाई बहुत सिंपल तरीके से निकल रही है, बस जो एक चीज मेरे को लग रहा है ना कि ग्राउंड क्लियरेंस, बस 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 एक चीज जो है ना कि अगर इसमें एयर सस्पेंशन होता ना तो और ज्यादा मजा आता। कितनी आई अंदर, डूब गई? बम्पर पे तो नहीं है ना, तो मिला जुला के पानी तो यहां तक है, ठीक है। पता, वो पत्थर का पता नहीं है एक्चुअली कि कितना पत्थर है अंदर ना, तो वो बम्पर भाई लेके आए थोड़ा सा ये फन करने। हाँ, और पता नहीं है कि पानी कितना डीप है अभी। आओ दो, क्या अंदर तक ना देखो, ये ना पूरा अंदर तक आ गया है, तो अंदर भी ना गहरा ही है। और अपन कैमरा हज्जू भाई के पास था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ। अब यहाँ से ना रिवर्स लेता हूँ और रिवर्स में एक बार ना निकालने की कोशिश करता हूँ। देख रहे हो ये चलो भाई, अब इसको ना धीरे धीरे आगे कर रहे हैं। पीछे ना पत्थर काफी ज्यादा बड़े थे, काफी ज्यादा बड़े, तो यहाँ से आगे से निकालेंगे। यहाँ भी ना नीचे एक्चुअली पता नहीं चल रहा है रिवर बेड पे ना कि कितने बड़े पत्थर है और क्या है, तो मिला जुला के ये है जी कुछ नजारा। और यहाँ से साइड से अपन गाड़ी के आगे निकाल लेंगे ये। चलो ये भाई तो निकाल रहा है। और ना नीचे एक्चुअली देखो उसमें ना एयर सस्पेंशन है, वो प्योर ऑफ रोडर है यार, प्योर ऑफ रोडर है, इसीलिए तो भाई कहते हैं ना डिफेंडर है। आपको जब ऑफ रोडिंग के ऐसे टेरेन्स पे जाना पड़े ना तो भाई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती आपको, हाइट ऊपर करो और निकलते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। परली साइड दबा थोड़ा सा, राइट में, हाँ राइट में मेरी तरफ। भाई ये निकाल ली हमने जी गाड़ी और कोई टेंशन नहीं है, बस पानी के अंदर ये गया ना तो नंबर प्लेट वाला थोड़ा सा वो गीला हो गया, बाकी तो नीचे देखो बम्पर वम्पर कहीं भी कुछ नहीं लगा। बट देखो इस गाड़ी का हाइट देख रहे हो आप, क्योंकि एयर सस्पेंशन है ना तो हाइट ऊपर है, और इस गाड़ी का हाइट उतना नहीं है क्योंकि ये लग्जरी क्रूज़र है। तो मिला जुला के भाई मैं सच्ची बताऊँ तो अंदर मेरे को एक बार भी नहीं फील हुआ ना कि गाड़ी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यहाँ पर ना 0.5 करता हूँ, फिर आप देखो एक बार भी नहीं, और पूरी गाड़ी वैसी की वैसी ही इंटैक्ट है पूरी गाड़ी। अगर कहीं कुछ लगता ना तो सबसे पहले मड फ्लैप जाते। तो मिला जुला के काफ़ी अमेजिंग था यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मज़ा बहुत आया। हाँ यही सब मज़े के लिए तो आप स्पिति आते हो ना, देखो ट्रेन रास्ते वास्ते यही सब एक्सपीरियंस करने आते हो। ये थोड़ा सा आपने रिवर में घुसा दिया, लोकल से पहले हमने परमिशन ली कि घुसा सकते नहीं घुसा सकते, उन्होंने कहा ठीक है ज़्यादा अंदर मत घुसाना क्योंकि रिवर डीप है।
तो परमिशन लेने के बाद हमने वही किया जो उन्होंने हमें सजेस्ट किया। बाकी सांस भी फूल रही है सांस भी फूल रही है भाई। चलो गाड़ी में बैठते हैं भाई, थोड़ा सा निकालते हैं, गाड़ी को ऊपर लेके चलते हैं। फेक कोई एक्सीडेंट होता है नहीं, जैसे उसमें दिखाई नहीं कुछ भी, जैसे आपके आपकी स्ट्राइक हुई तो उस समय हमेशा कैमरा थोड़ी ना ऑन रहता है। आप कैमरा हमेशा जब ऑन करोगे तभी ना, डैश कैम नहीं था उसमें। जो कह रहा ना फेक था वो चूतिए हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊँ चूतिए हैं। उन्होंने जिंदगी में ना, उन्होंने सुनो वो पता है कौन कौन लोग हैं वो, उनके पास ना जिंदगी में भाई एक मिनट, उनके पास ना जिंदगी में कुछ नहीं है और आगे वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। वो उनसे बड़े चूतिए, अबे कुछ चूतिए ना ये, वो भाई बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि वो ना फेक एक्टर भाई, कोई अपनी जान को फेक में। हाँ भाई एनीवेज ये सब छोड़ो अभी, अरे नहीं नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। तो भाई भाई मिले थे दोनों भाई और थोड़ा सा शूट किया हमने यहाँ पे। बाकी ये ना पूरा एडवेंचर जो था ना, ये हमें रास्ते में आते हुए दिखा था और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। एंड थोड़ा सा मैं भाई ने जब कहा ना तो थोड़ा सा मैं ये हो गया कि भाई अभी भी लोगों को ये लगता है कि यार YouTube के लिए कोई अपना एक्सीडेंट कर देगा। भाई ये सोचो क्या क्या बेवकूफ़ क्या चूतिए ना, मैं सीरियसली बीप भी नहीं करूँगा शायद इसको, भाई इतने चूतिए लोग ना होते हैं और वो वहीं पर रहेंगे जहाँ पर उनको होना चाहिए। वो ना लाइफ में मतलब आप ना थोड़ा एक कॉमन्स और थोड़ा सा एक लॉजिक होता है ना, वो कभी कभी अप्लाई नहीं करते वो लोग। खैर एनीवेज बाकी गाड़ियाँ देखो यार, दोनों गाड़ियाँ ना इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, इतनी मस्त लग रही थी ना कि यार मज़ा आ गया। मतलब फर्स्ट टाइम मैं मतलब इतनी महंगी गाड़ी है ना तो मेरे को थोड़ा सा डर भी लगता है, प्लस गाड़ियों से ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्टेड और थोड़ा सा ज़्यादा अटैच्ड फील करता हूँ ना, तो थोड़ा सा उसमें भी ये लगता है कि यार कहीं कुछ डैमेज ना हो जाए। अब क्या पता है डैमेज का टेंशन नहीं है, चलो इंश्योरेंस में सब हो जाएगा, नहीं होगा तब भी खुद से कर लेंगे, उसका भगवान ने इतना सक्षम बना दिया अभी। बट ये ना कि जो जिस चीज़ से आपको प्यार है ना और आपको पता है कि वो चीज़ करने से उस प्यार को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगा, तो मिला जुला के ना वो थोड़ा अंदर पुक पुक तो होता है। बाकी ठीक है यार, बहुत ही अमेजिंग। एक बार आपको वापस से दोनों गाड़ियाँ दिखाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त लग रही है एक साथ खड़ी हुई। भाई ये देखो क्या ज़बरदस्त लग रही है ना, हाँ दोनों एक साथ खड़ी हुई सामने, भाई साहब सीरियसली यार क्या खतरनाक दिख रही हैं। और दोनों वाइट है ना, वाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना वो इतना सुंदर है ना मत पूछो भाई। बाकी ठीक है अभी यहाँ से आगे निकलेंगे और देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। मज़ा आ गया भाई, मैं सच्ची बताऊँ तो एफर्ट, एक मिनट मैं सच्ची बताऊँ तो एफर्टलेस ड्राइविंग था, एफर्टलेस। अंदर इतने बड़े बड़े पत्थर थे अजू भाई, पता ही नहीं चला ना जब अंदर पत्थर से जा रहे थे। हाँ टेढ़ा मेढ़ा होता है ना तब पता चलता है गाड़ी, हाँ अदरवाइज हल्का सा भाई मजेदार यार, मतलब सीरियसली वर्थ कमिंग टू दिस प्लेस। बाकी अजू भाई मजा आ गया भाई, ठीक है। हम लोग दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाए, आप प्लीज देखो ये आपके लिए बनाते हैं और आप अगर प्यार नहीं दोगे ना तो फिर वो मोटिवेशन एग्जैक्टली आपको वो एंटरटेनमेंट और ये तो आपका प्यार जरूरत है यार, मतलब सब लोगों को आप प्यार बोलता हूँ हमेशा की हम ट्रैवल क्यों करते हैं, हम ट्रैवल हमें मजा आता है, हम लोगों को दिखाते हैं यार बाहर निकलो घूमो। हाँ अब वही वहाँ गंदे फैलाए जाए क्या फायदा। एग्जैक्टली भाई, तो आप जो समझदार है ना वो समझ जाएंगे और जो नहीं कर रहे जो प्यार दे रहे यार आप लोग तो जानो यार। सो जी अब यहाँ से निकल रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। किस साइड से निकलना है साला ये भी तो नहीं पता चल रहा है, चलो कहीं से भी निकल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं से तो निकल ही। अच्छा पीछे से ही निकलना है भाई, पीछे से ही निकलना है, इधर से ही रास्ता है और इधर से ही अपने को वापस चलना है जी। निकाल लेते हैं जी गाड़ी, हाँ मस्त मस्त मजा है, मस्त मजा। यहाँ से धीरे धीरे करके, अरे सामने तो वो लगा हुआ है ना, किधर से निकालें, किस साइड से निकालना है, किस साइड से निकालें, यहां तो टीला है, टील चलो यहां से ही निकाल लेते हैं और आगे चल के फिर सीधे कनेक्ट करते हैं मेन रोड पे। मिला जुला के ना यहाँ पे आपको ना अपने रास्ते ना खुद बनाने पड़ते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ रास्ता वास्ता रहता नहीं है और धीरे धीरे आपको अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ेंगे।
ये साइड से इधर से ही निकाल लेते हैं, ये थोड़ा 0.5 करते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर और पता चले, एंड धीरे धीरे करके भाई इतना टॉर्क है ना, सीरियसली आपको ना हल्का भी फील नहीं होता कि आप कहीं पे ऐसा जा रहे हो जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती। हल्का सा पंजा देना है एंड आपकी गाड़ी कहीं से भी निकल जाएगी। मतलब ये गाड़ी स्पेशली इसकी बात कर रहा हूँ, LC की बात कर रहा हूँ, कि आपको ना ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती यार। एक मल्टी टेरेन सिस्टम है इसमें, उसको मैंने ऑटो पे रखा हुआ था पूरे टाइम, और यहाँ पे सैंड भी कर सकते हैं। इसको सैंड में कर दूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे सैंड सैंड टाइप का चीज़ है, तो यहाँ पे सैंड में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया, और भाई भगाने में जो मज़ा आएगा ना, बट यही है कि थोड़ा सा भगाएंगे, आराम से भगाएंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम दो भाई, आपको तो अभी इससे बहुत जगह घुमाना है, आपको सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी ले चलेंगे यार इस गाड़ी से। ये गाड़ी बनी ही उस चीज़ के लिए कि आप इसको ना ले जाओ बाहर एक्सप्लोर करने। क्या तगड़ा है, सैंड मोड पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, एंड मतलब ऑफ जरूरत अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना सैंड ऑटो ही कर देते भाई, ठीक है भाई। ट्रैक्शन कंट्रोल इसका बहुत सही है, बहुत सही है, और जो इसका टेरेन मोड है ना वो भी बहुत सही है। ये देखो, ये इन सब जगह पे ना आपको प्राइमरली जब हाइट अटेन कर रहे हो और टेरेन ऐसा है ना, तो आपको ना अच्छा टॉर्क चाहिए गाड़ी में। जहाँ टॉर्क कम हुआ वहाँ पे गाड़ी ना खींच नहीं पाएगी अपने आप को, प्लस इतनी भारी गाड़ी है ना, तो यार उस हिसाब से पावर टू वेट रेशियो तो अच्छा होना ही होना चाहिए। बाकी जी यहाँ से वापस चल रहे हैं अपन मेन रोड की तरफ, और मेन रोड बस पहुँच ही गया। अच्छा था यार, बहुत ही एक्साइटिंग था। हाँ जी, इस ब्लॉग को कर देते यहीं पे खत्म। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको इससे भी ज्यादा एडवेंचरस कुछ दिखाने का प्लान है, तो वहां के लिए निकल रहे हैं। आप नेक्स्ट ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड रहना, क्योंकि जो हम दिखाने वाले हैं वो कहीं नहीं दिखा होगा, ऑफ कोर्स YouTube पे पहली बार है कि LC और डिफेंडर एक साथ घूम रही है। फर्स्ट टाइम LC डिफेंडर एक साथ स्पीति में, मतलब स्पीति में क्या है, इंडिया में कहां घूम रही है। हाँ एग्जैक्टली, तो कोई एक्सट्रीम में लेके नहीं जा रहा होगा भाई। भाई कौन सबके पास होती है, दिल चाहिए, दिल चाहिए, गुदा गुदा कहते हैं। चलो भाई कर देते इस व्लॉग को ये पे एकदम। व्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं आपसे कल के एपिसोड में, टिल देन पीस।